बिलाड़ी खुशबू की गोंदिया जिले में मौत। मिली जानकारी के मुताबिक भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की 18 लड़कियां और लड़के की कबड्डी टीम बालाघाट मध्य प्रदेश जाने के लिए 5 अक्टूबर को शाम करीब 6 बजे इतवारी पैसेंजर ट्रेन में आमगांव पहुंचे और भजेपार में विनोद ब्राह्मणकर के निवास पर ये लोग रुके हुए थे। विनोद ब्राह्मणकर ने बताया कि सभी लड़कियां रात में भोजन करने के पश्चात 10 बजे तक टीवी देखकर सो गए थे, लेकिन करीबन 12 बजे रात अचानक खुशबू के सीने में दर्द होने की शिकायत सामने आई, जिसके बाद ग्रामीण अस्पताल में खुशबू को ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। महाराष्ट्र दफ्तर में प्लास्टिक कप के इस्तेमाल पर कलेक्टर ने खुद पर लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना। बीड जिले के कलेक्टर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन कप का इस्तेमाल किया गया। महाराष्ट्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। बीड जिले के कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने सोमवार को प्लास्टिक कप के इस्तेमाल करने पर अपने विभाग की गलती मानते हुए खुद पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मानहानि केस में शाह को हत्या का आरोपी बताने के मामले में राहुल गांधी अहमदाबाद कोर्ट में पेश हुए हैं। जमानत पर 7 दिसंबर को होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी बताने के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को अहमदाबाद कोर्ट में पेश हुए हैं। उन्होंने जमानत दायर के लिए अर्जी भी दी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने इस पर 7 दिसंबर की सुनवाई करेंगी। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।